लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लगभग हो गया खोका, लोका लोका, खाली खाली है खोका, ये लोका लोका, खुली हवा का झोंका, ये हाय 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 जो भी हिट होता है मैं उसके साथ फिट हो जाता हूँ, चाहे वो रिकी मार्टिन हो या जंग लगा हुआ टीन। थैंक्स। आई एम खुशी। आई एम प्रिया। जब भी मैं किसी मंदिर में जाता हूँ, you know, मेरे मन को बहुत शांति मिलती है। गांव में मैं मंदिर रोज जाया करती थी। अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लगता है। नेताजी को देख लो, ऐसा लग रहा है जैसे भगवान से वोट मांगने आया। क्या बोला? अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था यार। यार मैं कह रहा था। मैंने आपको कहीं देखा है। ओह नो नो नो, मेरा मतलब वो नहीं था। नो no, प्लीज। पर हाँ ये सच है, लड़के इस लाइन का सहारा तभी लेते हैं जब वो किसी लड़की से दोस्ती करना चाहते हैं। लेकिन मेरा मतलब वो नहीं था। पर हाँ ये सच, मैंने आपको कहीं देखा है। मुझे भी ऐसा लगता है। आज हम पहली बार मिल रहे हैं, मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको 20 साल से जानता हूँ। हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। एनीवे आई एम करण। आई एम खुशी। खुशी, नाइस नेम। वाकई में खुश लगती हैं आप। खुशी, आप यहाँ? खुशी, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय। अच्छा ये बता, तेरी गर्लफ्रेंड है? हाँ, अपने ही कॉलेज की है। अपनी क्लास की? नहीं, मैथ सेक्शन की है। नाम क्या है? प्रिया। बता तूने क्या गड़बड़ की? अरे यार मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है, वही स्टेटस प्रॉब्लम। वो एक रईस बाप की इकलौती बेटी है और मैं
मैं अनाथ आश्रम में पलकर बड़ा हुआ हूँ। ओहो, हर लव स्टोरी में ये एंगल क्यों होता है यार? इट्स वेरी सैड। मदन, तो अब यार मैं किसी तरीके से ये लेटर उस तक पहुंचाना चाहता हूँ। वाह, इस लव लेटर के जरिए हमको मरवाएगा तू? मदन यार प्लीज, ला मुझे दे एड्रेस। सुनो, तुम उसको जाकर समझाओ, अगर उसको समझ में नहीं आता तो खलास कर दो। हाँ भाई। विकी, तू तो गया काम से, इसी की बेटी मिली थी प्यार करने को। चलो रे, जल्दी चलो। हेलो अंकल। अरे खुशी बेटी, कैसा है तू? ठीक हूँ। खुशी, तुम्हारी दोस्त का पढ़ाई कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। बाय अंकल। बाय प्रिया। बाय। खुशी खुशी खुशी। हाय करण। हाय करण। सो तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे हाथ में क्या है? ओह, लेटर। लव लेटर? हाँ हाँ, तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे चेहरे पर लिखा है। हा? तुम्हारे पास इतनी सेंस नहीं, मैनर्स नहीं कि पब्लिक प्लेस में लड़कियों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है? तुम्हारे पास इतनी अकल नहीं है? हेलो, सड़क पर चलते हुए लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? हेलो, अच्छी पैंट पहनते हो, अच्छे शर्ट पहनते हो, मगर हरकतें ऐसे घटिया करते हो। हेलो, माइंड योर टंग, जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही हो। मेरा मुंह है, मेरी जुबान है, जो चाहे बोलूंगी। पर कान तो मेरे हैं ना, जो ये सब नहीं सुन सकते, क्योंकि ये मेरे दिल को चोट पहुंचा रहे हैं। ओह, दिल, बड़ा दिल। पहली मुलाकात में हाय हेलो करते हो, दूसरी मुलाकात में लव लेटर देते हो। हां, ये कैसा दिल है तुम्हारा, घटिया दिल। मैडम, ये लव लेटर मैंने तुमको नहीं लिखा, बल्कि मेरे दोस्त विकी ने तुम्हारी दोस्त प्रिया के लिए लिखा है। उसने मुझसे कहा सेमेस्टर हॉलीडेज हैं, उसका स्ट्रिक्ट फादर है, रिच है, मेरे कॉल उसे रिसीव करने नहीं देता, तो उसने मुझसे पूछा क्या ये लेटर मैं प्रिया को दे सकता हूँ। I'm sorry. मैं ये लेटर लेकर यहाँ आया तो देखा कि गेट पर वॉचमैन बैठा है। गाड़ी में बैठा सोच ही रहा था कि क्या करूं, कि अचानक दो तीन गाड़ियां आकर रुकी, जिसमें से प्रिया के बाप के साथ बड़े बड़े खतरनाक गुंडे उतरे। उनको देखकर मैं शॉक हो गया, क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी मैंने तुमको प्रिया के साथ निकलते देखा। ओ खुशी, जिसे मैं दो दिन पहले टेंपल में मिला था। मैंने समझा मेरे दोस्त का काम बन गया, तुम्हारे जरिए मैं ये लेटर प्रिया को पहुंचा दूंगा। पर तुम तो बस बोले जा रही हो, तुम्हारे पास सेंस नहीं, मैनर्स नहीं, तुम ऐसे हो वैसे हो, क्या समझती हो अपने आप को? ठीक है, भगवान ने तुम्हें जुबान दी है बोलने के लिए, पर सोचने के लिए दिमाग भी तो दिया है। व्हाट डू यू थिंक आई एम? सम रोड साइड रोमियो। आई एम सॉरी। इतने दिनों से हम एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, पास पास रहते हैं, मगर एक दूसरे को नहीं जानते, कमाल है ना? कमाल तो ये भी है कि हम इस वक्त यहाँ साथ क्यों खड़े हैं। प्यार के लिए। प्यार के लिए? हाँ, प्रिया और विकी के प्यार के लिए। ओह। क्यों, तुमने क्या सोचा था? नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। एक बात पूछूं, तुमने कभी प्यार किया है? तुमने क्यों क्यों क्यों, अब क्या बताऊं, लेकिन तुमने किसी से क्यों नहीं प्यार किया? मालूम नहीं। क्या मालूम नहीं, प्यार कैसे किया जाता है? नो नो नो, तो फिर मालूम है। ओ करण, प्लीज चेंज द टॉपिक। ओके। चलें विकी, चलें। ओके या श्योर। Bye Priya. Bye. Bye Priya. Hi. Bye Krishi. Bye Karan. Bye. Bye. So. Thanks. हाँ? किस बात का? Job करने का। जब कोई अजनबी छोड़ता है तभी थैंक्स बोला जाता है। अब हम अजनबी तो नहीं रहे, तो फिर बेकार की फॉर्मेलिटीज क्यों? अब तो कह दिया, अब क्या करें? थैंक्स को वापस ले लेना चाहिए।
ओके गिव। बाय बाय। हाय हाय। लेटर। ओके बाय बाय। ओह नो, क्या हुआ? ये तो खुला हुआ है। ओ इतनी सी बात का इतना बड़ा रिएक्शन, मैं तो डर ही गया था। वेरी गुड, आई शुड अप्रिशिएट योर फ्रेंडशिप। फ्रेंड्स तो ऐसे ही होने चाहिए। आपके दोस्त ने आप पर भरोसा करके अपना पर्सनल लेटर खुला हुआ दे दिया, सोचो वो आप पर कितना भरोसा करता होगा। ऐसी कोई बात नहीं, चाहे तो पढ़ सकती है। नो नो नो, इट्स अ लव लेटर, इट्स वेरी पर्सनल। आपके दोस्त ने आप पर भरोसा करके दिया, आपने मुझ पर भरोसा करके दिया, और मेरी फ्रेंड को मुझ पर भरोसा है। हमें किसी के भरोसे को तोड़ना नहीं चाहिए। ओके लेकिन इसमें भरोसे की क्या बात है? इसमें लिखा है, डियर प्रिया, हर फ्राइडे की तरह इस फ्राइडे में तुम्हें पिक्चर नहीं दिखा पाऊंगा। 2 दिन के लिए मुझे नासिक जाना है, प्लीज नाराज मत होना। इन 2 दिनों में तुम्हारे बिना पता नहीं क्या करूंगा मैं। इन 2 दिनों में मैं बहुत कुछ मिस करूंगा, तुम्हें, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी खूबसूरत आंखें, तुम्हारे गोरे गोरे गाल, तुम्हारे गुलाबी गुलाबी होंठ, जहां मैं किस करता हूँ, तुम्हारी गोद, जहां मैं सर रखता हूँ, वहां दिल में बार बार यही कहता रहूंगा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। व्हाट अ कैरेक्टर यू आर, किसी की छिपी हुई चीज को खोलकर देखते हैं। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी लेटर, ये लव लेटर है, फुल ऑफ पर्सनल इमोशंस। हाँ, तुमने अपनी दोस्त को धोखा दिया है, उसके भरोसे को तोड़ा है तुमने। यूर अ फ्रीक, यूर अ चीट, यूर अ लायर, यूर अ कोवर्ड, तुम गंदे आदमी हो, यूर अ जर्क, एंड अ जर्क। वेट वेट, सब हो गया, अब मैं बोलूं? हाँ, ये अंगूठा मेरा नहीं, विकी का, कट गया था, बहुत खून निकला। अब तुम बताओ, कटे अंगूठे से कोई लिख सकता है? नहीं ना, तो उसने मुझसे कहा, डिक्टेट किया और मैंने लिख दिया, समझी? I'm sorry. या तुम्हें और एक्सप्लेनेशन दूं? I'm sorry. तुम्हें तो बस मौका ही चाहिए। I'm sorry. एक बार शुरू हो जाती हो, रुकने का नाम ही नहीं लेती, ब्ला 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 चलाती रहती हो, और फिर सॉरी भी बोलती हो। एक काम करो, एक कैसेट पर 1000 बार आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी रिकॉर्ड कर रख दो, क्योंकि ये सेंटेंस तुम बार बार इस्तेमाल करती हो। ओके, आई एम सॉरी। कल ही तो नया डलवाया था मैंने। अब क्या करेंगे? लॉक करके वॉक करेंगे। नो प्रॉब्लम, नो इट विल बी ओके, सुबह मैकेनिक आकर ले जाएगा। ओके थैंक्स। खुशी, तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। खुशी, अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो जवाब दोगी? ऑफ कोर्स। ओके, तुम्हें सबसे ज्यादा कौन पसंद है? मुझे सबसे ज्यादा मेरे पापा। ऑफ कोर्स, सभी अपने पापा को पसंद करते हैं। आई मीन वो हमें पैदा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। आई मीन आई टू लाइक माय फादर वेरी मच। लेकिन खुशी, पापा के अलावा तुम्हें और कौन पसंद है? यू नो, पापा के अलावा मेरी मम्मी। ऑफ कोर्स, माँ को कौन भूल सकता है? माँ तो महान होती है, माँ के पैरों में स्वर्ग होता है। खुशी, जरा घर के बाहर निकलो। आई मीन घर वालों के अलावा तुम्हें और कौन पसंद है? ऋतिक। ऋतिक? या ऋतिक रोशन, फिल्म एक्टर। ओ ओ, उसे कौन नहीं पसंद करता? आई मीन ही इज अ गुड एक्टर, गॉट अ गुड फिजिक, यू नो, आई डू लाइक हिम वेरी मच। खुशी, जरा फिल्म इंडस्ट्री से बाहर निकल कर देखो ना। आई मीन कोई और भी होगा ना? हाँ, है? है? हाँ, है? कौन? सचिन तेंदुलकर। आएगा। I know, of course. I too like him very much, you know. He's a good batsman. He's a good all-rounder. I too like him. I too like him. खुशी, fathers, mothers, cricketers, actors, ये सब तो common है ना?
सभी इन्हें पसंद करते हैं, लेकिन तुम्हें पर्सनली स्पेशली कौन पसंद है? खुशी 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 रुको 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 खुशी खुशी रुको। क्या हुआ? जो नाम तो मेरे मुंह से बुलवाना चाहते हो वो मुझे बोल दो, मैं बोल दूंगी कि मैं उसे पसंद करती हूँ, मगर प्लीज ऐसे मुझे तंग मत करो। बोलो क्या नाम है? Nothing. It's all right. रहने दो। Good night. Good night.